नमस्कार साथियों, आज है 12 अक्टूबर। तो 12 अक्टूबर के सभी शैक्षणिक समाचार हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों के पास ब्लूटूथ ईयरफोन मिलने से हड़कंप मच गया। आरपीएससी की प्रवेशिका परीक्षा का मामला है और आदर्श नगर स्कूल में था केंद्र, पुलिस ने जाँच के बाद छोड़ा। 31 अक्टूबर तक राज्य कर्मचारी आरजीएचएस में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन वो करवाएं। 8वीं के बच्चे नहीं पढ़ेंगे कबीर की शाखियां और कौशिका। अब बीएड एडमिशन 12वीं के अंकों के आधार पर होगा, छात्रों को होगा नुकसान। असेसमेंट और प्रैक्टिकल का आयोजन दो भागों में किया जाएगा। पीठ में धांधली के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प। 22 गोदाम सर्किल से पहले पुलिस ने रोका, पूनिया धरने पर बैठे। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय कार्यवाहकों के भरोसे ज्यादा रहा, यह समस्या है व्याप्त। 34 साल, 23 कुलपति, इनमें से 13 कार्यवाहक। एसआई परीक्षा की उत्तर कुंजिया वेबसाइट पर जारी, अभ्यर्थी आज से दे सकेंगे आपत्तियां। पहले वर्ष की परीक्षा हुई नहीं, दूसरे वर्ष का कोर्स भी हो गया पूरा, ऐसी हो गई परेशानी। प्रदेश में 93 लॉ कॉलेज के हजारों छात्र हो रहे प्रभावित। विद्यालय तो खुले पर शिविरा पंचायत की घोषणा अब तक नहीं। कला के साथ ही कलाकारी, बिना शिक्षकों के आर्ट्स एंड क्राफ्ट कक्षों पर खर्च कर दिए 344 करोड़ रुपए। बत्तीलाल ने लगा दी शिक्षा मंत्री बेरोजगारों की बत्ती, अब सरकार के लग जाएगी फुनिया। आवेदन 20 तक, 5 सितंबर को होगी परीक्षा। प्रतिभा खोज परीक्षा करो, हर माह मिलेंगे 1250 रुपये। प्रदेश के 600 विद्यालयों में उच्च प्राथमिक स्तर तक व्यावसायिक शिक्षा के लिए नवाचार। एक साल की तैयारी काफ़ी नहीं, पेपर अलग लेवल का, सिविल सेवा परीक्षा। आज के समाचार यही समाप्त। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।